धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पहले बिहार में 5 विधानसभा सीट जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी को निशाना बनाया गया। कहा गया कि वो आज के दौर के जिन्ना पैदा हो गए हैं, जो भारत को बंटवारे की तरफ ले जा रहे हैं। उसके बाद रही सही कसर जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव था, जिसमें उनकी 44 की 44 सीटें बची रह गई और टीआरएस की सीटें खत्म हो गई, वो 55 पर सिमट गए 99 से। फिर कहा जाने लगा कि देखिए, लोग आज उसी राजनीति को पसंद कर रहे हैं और उसी राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं और उसके पूरक बन के उभर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन इसके साथ बहुत सारे सवाल और भी हैं। मुसलमान क्या अपनी राजनीतिक पार्टी नहीं बना सकते हैं? क्या मुसलमानों की जो राजनीतिक पार्टियां बनी हैं आज तक, इतिहास उनका क्या रहा है? ये दूसरा सवाल हो सकता है। तीसरा सवाल ये है कि कांग्रेस जब मुसलमानों को आज पसंद नहीं कर रही है, उनकी बात तक करना गवारा नहीं कर रही है, तो मुसलमान आखिर कहां जाए? तो मुसलमानों के सामने कई सारी चीज़ें हैं। इसी के आसपास अपनी पूरी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जूम के जरिए जुड़ रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, यानी कि जेएनयू के प्रोफेसर हैं अभय कुमार जी, और उन्होंने जो पीएचडी किया है वो किया है माइनॉरिटी एंड सोशल जस्टिस में। उन्हीं से समझेंगे कि क्या मुसलमान करें। मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर कि मुसलमान क्या करे? क्या उसे अपना राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार नहीं है? क्या उसे अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं है? सर देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर में, लोकतंत्र जमहूरियत के भीतर सभी लोगों को इंतखाबात लड़ना, चुनाव लड़ना, इलेक्शंस लड़ना, सबको इसकी आजादी है, सबको बराबर के हकूक दिए गए हैं। क्योंकि हम जब पॉलिटिकल साइंस में हम जब डेमोक्रेसी के फीचर्स को जब हम पढ़ाते हैं तो उसके अंदर में हम कहते हैं कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी का मतलब है कि एक स्टेट में, एक राज्य में, एक रियासत में अगर एक ही सियासी दल, एक ही सियासी जमात को हक दे दिया जाए कि वही इलेक्शन लड़ेंगे, तो वो फिर एक डिक्टेटरशिप और एक ऑथोरिटेरियन रिजीम कहलाती है। इसलिए सारे लोगों को, अकरम साहब आपको भी और मुझे भी अपनी पार्टी बना के इंतखाबात लड़ने का पूरा हक है, और जनता तय करेगी कि आपको, जनता आपके इंतखाबी मंसूर और आपके मैनिफेस्टो पे कितना आपको पसंद करती है, आपको सत्ता में बैठाती है कि बाहर रखती है। लेकिन इलेक्शंस लड़ने से किसी भी इंसान को नहीं रोका जा सकता, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। जी तो फिर मुसलमानों के राजनीतिक पार्टी बनाने पे इतना हल्ला क्यों मचाया जाता है? क्यों कहा जाता है कि ये लोग सेकुलरिज्म के लिए खतरा हैं, इनसे कम्युनलिज्म बढ़ेगा? लंबी दास्तान है, बहुत लंबी दास्तान है अकरम साहब। देखिए, आजादी से पहले खासकर 1940 में जिस तरह की सियासत हुई जी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो मजहब को लेके जो रस्साकसी हुई, और दोनों दल जो थे, दोनों सियासी जमातें जो थी, उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया, जिसकी वजह से मुल्क का बंटवारा हुआ और तकरीबन 10 लाख के करीब लोग या तो मारे गए, या तो बेघर हो गए, या फिर उनको किसी न किसी तरह से उनको परेशानी हुई, उनकी जिंदगी उजड़ गई। उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर में एक ऐसी फिजा बनी जहां पे ये माना जाने लगा कि मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ अपने सकाफती यानी आपको कल्चरल और अपने मिल्ली यानी सोशल मतलब उमूर में ही और उसी मतलब हलके में ही अपने आप को रखना चाहिए, मतलब वहीं पे रहना चाहिए, और सियासत जो है उनके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं सियासत अगर आप करेंगे तो उसमें उनको लगता है कि ये सियासत आखिरकार मुस्लिम लीग को मतलब जन्म देगी ये सियासत, और इससे क्या होगा, हिंदुस्तान का एक फिर बंटवारा हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की सोच मनफी सोच है, इस तरह की जो सोच है वो एतमाद पे मबनी नहीं है, वो एक तरह का सस्पिशन है उसके लेके। तो मुझे लगता है कि ये हिस्टोरिकली ये सोच गलत थी। किसी भी दल को इलेक्शंस लड़ने की पूरी मतलब आजादी है। आप उनको उनके इलेक्शंस मैनिफेस्टो पे आप जाके उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप उनको कह सकते हैं, जनता से अपील कर सकते हैं कि देखिए ये जिस एजेंडे के साथ आए वो बेहतर नहीं है।
लेकिन जो एक डायरेक्ट कहिए या इनडायरेक्ट कहिए, कहीं अनकहीं जो कहानी यही थी कि मुस्लिम ने जहां भी सियासी जमात बनाई तो जीना के रास्ते पे ये लोग चलेंगे और फिर मुल्क का एक बंटवारा होगा। लेकिन अकरम भाई आपको ये भी आपको ये बात की पूरी जानकारी होगी कि बहुत सारी सियासी दल जो है, सियासी पार्टियां मुसलमान के नाम पर बनी, आप मुसलमान कहिए या कहिए कि मुसलमानों की उसमें अच्छी खासी तादाद दी या कहिए कि क्यादत में उनका एक बड़ा रोल था, वो कुछ दिनों तक वो पार्टी चली लेकिन पार्टी आगे नहीं जा सकी। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सोच है, ये सोच जो है जी, ये जो सोच है ये पूरी तरह से गलत सोच है। मैं आपको बता रहा हूं ये गलत सोच है। हम किसी मुस्लिम पार्टी को और किसी हिंदू पार्टी को वोट दे या न दे ये एक दूसरी बात है जी। हम किसको वोट दें, एक सेकुलर पार्टी को दो या मुस्लिम पार्टी को दो या हिंदू पार्टी को दो, लेकिन किसी के इलेक्शन लड़ने से इस तरह से जो मतलब एक तूफान मच जाता है ना, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऐसी कहीं ना कहीं जो हमारी पार्टीशन की लेगेसी है, जो तकसीम की जो हमारी हकीकत है, इसने इस चीज को बहुत जड़ जमा चुकी है हमारे मतलब समाज के अंदर में, जो कि ठीक नहीं है। जी जी, आपने कहा कि समाज में गहराई तक ऐसी जड़ें फैल चुकी हैं, इसलिए दो मिनट में मुसलमानों के पॉलिटिक्स करने पर, राजनीति करने पर ये तमाम चीज़ें खड़ी हो जाती हैं। लेकिन आपकी बातचीत से दो सवाल मेरी समझ में आते हैं। एक के नैरेटिव ये बना आज़ादी के बाद कि मुसलमानों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, इस नैरेटिव के पीछे मुसलमान कितने जिम्मेदार हैं। दूसरा, इसी नैरेटिव को अगर दूसरे तरीके से समझें, क्या इस नैरेटिव को बढ़ावा देने की कोशिश हिंदू नेताओं की तरफ से कही गई, उन्होंने कहा देखो हम तुम्हारे नेता रहेंगे, क्योंकि मुसलमानों ने भी कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद पंडित नेहरू को अपना नेता माना, महात्मा गांधी को अपना नेता माना, जिन्ना को नेता नहीं माना, जिन्होंने जिन्ना को नेता माना वो उस तरफ चले गए, तो उन्होंने भी अपना नेता नेहरू और गांधी को माना है, तो ये धारणाएं दोनों कहाँ से निकलती हैं। देखिए अकरम साहब, मैंने जो बात कही ये मुस्लिम पार्टी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, हिंदू पार्टी बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, इस पे मैं कोई अपनी राय नहीं दे रहा हूं। मैंने सिर्फ इतनी बात कही, क्योंकि मेरी बात का कुछ कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आजादी के वक्त जिस तरह से मुल्क का तकसीम हुआ और जिस तरह से एक पाकिस्तान बन गया और जिस तरह से जितने मुसलमान पाकिस्तान में थे उतने ही मुसलमान, थोड़ा ये ज्यादा या कुछ कम, हमारे मुल्क में हिंदुस्तान में जब मुसलमान यहीं पर रहना उन्होंने पसंद किया तो उसके बाद से एक मेजोरिटेरियन जो सोच जो थी, मेजोरिटेरियन सोच ये थी कि अगर ये मतलब कल्चरल फील्ड में अगर एक्टिव हैं, तालमी दुनिया में अगर एक्टिव हैं, अगर ये मिली काम कर रहे हैं तो हम इनको ओके, इनके साथ हमारी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही सियासी फील्ड में आएंगे, ये हमारे लिए, हमारी जो इंडियन पॉलिटिक्स जो होगी, जिसको कोई सेकुलर कह रहा है, ये इंडियन पॉलिटिक्स के लिए ये गलत है। ये सोच कहीं ना कहीं जड़ में है, आपको चाहे आप ये जो शिद्दत पसंद आप जिनको कहते हैं या जिनको सेकुलर कहते हैं और जिनको बाएं बाजू की पार्टियां भी आप कहते हैं, उनके लिए भी मैं ये कह रहा हूं, कम या ज्यादा मैं ये बात कह रहा हूं, ये बातें हैं, ये बातें कोई खुल के बोलता है कोई खुल के नहीं बोलता है। जैसे बदरुद्दीन अजमल साहब अगर आसाम में इलेक्शन लड़ते हैं तो कुछ लोग खुल के कहते हैं कि हिंदुस्तान के लिए मतलब ये खतरा है, और कुछ लोगों को क्या लगता है कि वो चुपके से कहते हैं, पार्टी के अंदर ये बात करते हैं, जैसे बाएं बाजू के लोग, उनको लगता है कि ये सब ठीक नहीं है सेकुलर पॉलिटिक्स के लिए। आपने बहुत अच्छे से बयान किया है सर, बहुत अच्छे से बयान किया है। लेकिन हमें जो ये मुस्लिमों के नाम पर बनी हुई पार्टियां हैं, उनका इतिहास, उनका बनना और उनका पतन होना, इस पे चाहता हूं, ये क्यों खत्म हो जाती है जब उभरती है बहुत तेजी से। मैं आ रहा हूं जी अकरम भाई, तो मैं ये कह रहा था कि ये एक सोच बन गई, सोच बन के जड़ जमा चुकी है, अभी तक ये सोच है। हो सकता है कि मैं अभय कुमार हूं और कल अकरम भाई कल पार्टी बनाना शुरू कर देंगे और इलेक्शन लड़ेंगे तो मेरे दिल में भी ये बात आएगी, अरे अकबर अकरम साहब पत्रकार थे, सहाफी थे, वो तो बहुत बेहतर है, पार्टी बनाए, लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये चीज जो है कोई बयान नहीं करता है, लेकिन ये चीजें उनके अंदर में है, क्योंकि पॉलिटिक्स में जैसे ही अकरम साहब या कोई अरबी और फारसी नाम वाला कोई आदमी जैसे ही एक्टिव हो जाता है, थोड़ी सी बेचैनी हो जाती है। ये ऐसी पॉलिटिक्स है जो आजादी के बाद से ऐसी पॉलिटिक्स आ गई, ऐसी पॉलिटिक्स बदकिस्मती से ऐसी पॉलिटिक्स आ गई जिसके अंदर में जो शक है, एक कम्युनिटीज का शक दूसरे कम्युनिटीज के प्रति,
वो गया नहीं है अभी तक पूरी तरह से, वो गया नहीं है, और उसको खत्म करने की भी कोशिश जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। अब तो उस दूरी को बढ़ाने की भी कोशिश हो रही है। आपको पता है कि पिछले 10 सालों और 6 सालों और 8 सालों के अंदर में क्या हो रहा है। अब रही बात कि आपने कहा मुस्लिम पार्टियों की भी बनने की बात है, तो अब आप पूछेंगे कि आप एक बात बताइए अभय भाई, आप हिंदू पार्टी की मुखालफत करते हैं तो आपको मुसलमान पार्टी की भी मुखालफत करनी चाहिए अगर हिंदुस्तान के अंदर में, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टियां बननी चाहिए? तो मैं सबसे पहली ये बात, सबसे पहले मैं आप बात कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद से अगर मुसलमानों की नुमाइंदगी अगर आप सरकारी नौकरियों में देखेंगे, उनकी नुमाइंदगी पुलिस में देखेंगे, उनकी नुमाइंदगी फौज में देखेंगे, उनकी नुमाइंदगी सियासत में देखेंगे, तो वो नुमाइंदगी कम होती चली गई है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। मेरी बात को आप लोग फिर से एक बार सुन लीजिए, मैं पूरे होशो हवास के साथ कह रहा हूं कि जब 1940 की दहाई में मिलिट्री में आर्मी में मुसलमानों की आबादी सॉरी उनकी जो रिप्रेजेंटेशन था वो उनकी आबादी से कहीं ज्यादा बहुत सारे इलाके और बहुत सारे रियासतों और बहुत सारे सूबों में था, लेकिन आजादी के बाद से उनके पर काट दिए गए या उनके खिलाफ एक तासुब पैदा हो गया सिस्टम के अंदर में, और वो धीरे धीरे सिस्टम से दूर होते चले गए। कुछ लोग इसके लिए तकसीम का को भी जिम्मेदार मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो एलीट मिडिल क्लास था वो पाकिस्तान चला गया, जो ज्यादातर गरीब और मेहनत के श्लोक थे वो हिंदुस्तान रह गए। बहुत सारी उसकी वजूहात है, लेकिन धीरे धीरे उनकी आबादी कम होती गई, और आबादी कम होने के बाद 1960 के आने के बाद बहुत सारी सियासी पार्टियां उत्तर प्रदेश में और कहीं कहीं पर बनी हैं, और जो उवैसी साहब की हम बात कर रहे हैं तो वो लोग भी बाद में आजादी के बाद में जो रजाकार जो लोग थे हैदराबाद के निजाम के साथ जो लोग थे उन्हीं से निकली हुई पार्टी है, और बाद में उन्होंने कहा कि हम भारत के कॉन्स्टिट्यूशन और इसके आईन के मुताबिक हम अपनी पार्टी बना रहे हैं और वैसे ही काम करेंगे, तो बाद में वो पार्टियां भी मैदान में आई, और 70 और 80 के दशक में उनके पिताजी थे अब्बा हुजूर जो थे वो भी कई बार MP जीत के आए हैं, मुस्लिम लीग भी थी वहां पे केरला के अंदर में, तो पार्टियां थोड़ी बहुत थी, लेकिन अफसोस की बात मेरे भाई की मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता कम होते चला गया, और 1952 के बाद ये ऐसा कम हुआ है कि आज शायद सबसे कम है, या शायद 57 के बाद सबसे ज्यादा कम है, 3 या 4% के करीब में वो लोग पार्लियामेंट के अंदर में है। 1980 में वो कुछ शायद हालत थोड़ी सी बेहतर हुई थी, लेकिन फिर वो हालत खराब होनी शुरू हो गई। मैं तो यही चाहता हूं कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान के नाम पर कोई पार्टी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि अकरम भाई या अभय कुमार साहब अपने घर के अंदर में मंदिर में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं ये उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन जब बाजार में आते हैं तो उनको टमाटर अगर 60 रुपए किलो मिल रहा है, अगर प्याज 60 रुपए किलो मिल रहा है, तो अकरम साहब को भी 60 रुपए देने पड़ते हैं और अभय को भी 60 रुपए देने पड़ते हैं। आपने बहुत अच्छे से बताया और बहुत तमाम चीजों पर रोशनी डाल के बताया कि जो हिंदू मुसलमान है वो घर में रहिए, बाहर निकल के टमाटर प्याज आपको 60 रुपए किलो में ही खरीद के लाना पड़ेगा, ट्रेन में सफर करेंगे तो पूरा टिकट देना पड़ेगा, कोई आपको रियायत नहीं है। लेकिन मैं आप समझना चाहता हूं चीजों को और ढंग से। मुस्लिमों के नाम पे हमेशा पार्टियां बनी है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। क्या ये पहली गलती रहती है जो मुस्लिम लीडरशिप होते हैं, ये पहली गलती करते हैं? नहीं, गलती की बात नहीं है। देखिए, पॉलिटिक्स में उस तरह से किसी को हम गलत और किस तरह से हम सही नहीं कह सकते हैं। सब लोग हालात की वजह से कोई चीज आती है। देखिए, मैं किसी पार्टी से फंडेड कोई मैं स्कॉलर नहीं हूं कि मैं यहाँ पे एक पार्टी की बुराई आपके चैनल में मैं करके चला जाऊं और एक पार्टी को मैं बिल्कुल अच्छा बता के चला जाऊं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर कोई मुसलमानों की कयादत वाली मैं अगर मुस्लिम पार्टी अगर उनको ना कहूं, क्योंकि देखिए अगर किसी भी पार्टी को अगर मैं मुस्लिम पार्टी कहूंगा तो वो भी मुझसे कहेंगे कि अभय साहब आपके अंदर में भी दयानतदारी नहीं है, आप मुझे मुस्लिम पार्टी कैसे कह रहे हैं, मेरे अंदर में दलितों को भी हमने बहुत सारा मैंने टिकट दिया है, मेरे दरवाजे तो हिंदू भाइयों के लिए भी खुले हुए हैं, तो आप मुझे मुस्लिम पार्टी क्यों कहते हैं, आपकी कोई पार्टी में मुसलमानों की
कि मेम्बरान बहुत कम होते हैं, लेकिन आपको तो हम हिंदू पार्टी नहीं कहते। अगर मैं कहूं कि मुसलमानों की कयादत वाली सियासत पार्टी, अगर मैं कहूं, अगर उसको मुस्लिम पार्टी ना कहूं, तो मुसलमानों की सियासत पर मबनी जो कयादत है, अगर हमें वो पसंद नहीं है, मान लीजिए जाति तौर पे अभय कुमार को और अक्रम साहब को पसंद नहीं है, और उसी तरह हिंदुओं की कयादत वाली कोई पार्टी को, मान लीजिए अभय जी को और अक्रम साहब को पसंद नहीं है, तो सवाल ये भी उठता है कि वैसी पार्टियों को लोग क्यों वोट दे रहे हैं। उस पर बात करेंगे कि वैसी पार्टियों को वोट क्यों दिया जा रहा है, लेकिन मैं अपने सवाल को और विस्तार से आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या जो मुस्लिम लीडरशिप उभरती है, तथा कथित जो कहते हैं हम मुस्लिम है, वो इसलिए फैल होती है क्योंकि वो मुस्लिमों के नाम पे पार्टियां बनाते हैं, पार्टियों का नाम मुसलमानों के नाम पे रखते हैं? देखिए, आपको पता है कि हिंदू सांप्रदायिकता, हिंदू फिरका परस्ती को बढ़ाने के लिए आपको एक मुस्लिम फिरका परस्त का भी चेहरा आपको टीवी पे चाहिए। बहुत जी, बड़ी बात। एक मुस्लिम फिरका परस्त जो है जी, मुस्लिम फिरका परस्त का भी एक आपको इमेज कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूं, और ये बात मैं पूरे अपने होशो हवास के साथ ये बात कह रहा हूं कि मुसलमानों में भी बहुत सी ऐसी जमातें हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मुसलमानों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने में जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है उसको कहीं ना कहीं तकवियत, कहीं ना कहीं उसको मजबूती देते हैं। आप एक बात बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, जो सेंसेशन फैलाने वाले टीवी चैनल हैं जहां पे कोई डिबेट डिस्कशन कराना नहीं होता है, उनको शाम को जो एक सांप्रदायिकता की जो आग है उसमें घी और तेल और पेट्रोल डालने का काम होता है, ऐसे चैनल पे जो मुसलमानों के नुमाइंदा बन के जो जाते हैं, उनका ना तो पकड़ कोई मिल्ली तंजीम में है, ना उनकी पकड़ किसी सियासी जमात में है, ना उनको शऊर है, ना उनके पास कोई तालिमी कोई लियाकत है, लेकिन वो ऐसे चैनल पे जाके ऐसी ऐसी भड़काऊ बातें करते हैं ताकि वो उनका जो काम है, हिंदुत्व का काम है, उसको वो बना देते हैं। तो बहुत सारे सियासी जमात या ऐसे लोग एक्टिव हो सकते हैं जिनका काम हो सकता है कि जाने अनजाने में उनको तकवियत देना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जाने अनजाने में हो सकता है वो ऐसी ताकतों को तकवियत देते हों, लेकिन आप देखिए, दलितों की पार्टी है लेकिन नाम है बहुजन समाज पार्टी, यादवों की पार्टी है नाम है समाजवादी पार्टी, जाटों की पार्टी है नाम है राष्ट्रीय लोकदल, यादवों की पार्टी बिहार में है नाम है राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन जब भी मुस्लिम लीडर कुछ पार्टी बनाने की बात करते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि जानबूझ के उसमें मुस्लिम नाम लाते हैं वो? जी, अगर आप मुझे, अगर पर्सनल तौर पे मेरी ओपिनियन पूछेंगे, जाति ओपिनियन मुझे पूछेंगे, तो मैं किसी भी धर्म संप्रदाय के नाम पे अगर कोई भी पार्टी बनती है तो मैं उसका सख्त मुखालफत करता हूं जी। और मैं बात सबसे पहले, मैं मुसलमान भाइयों को या क्रिश्चियन भाइयों को और सिख भाइयों से पहले, उनकी पार्टियों के पहले, मैं उंगली उठाने से पहले जो मेजॉरिटी कम्युनिटीज के नाम पर जो पार्टियां बनी हुई हैं, मैं उसको सबसे पहले आपके इस चैनल से मैं कंडेम करना चाहता हूं कि आपको कम से कम, आप तो मेजॉरिटी कम्युनिटी हैं, आपको तो कम से कम मिसाल पेश करनी चाहिए थी, लेकिन आप बताइए कि आप धर्म का इस्तेमाल करके जो पार्टियां बना रहे हैं ये भी सरासर गलत है। और इनकी देखा देखी अगर कोई भी समुदाय के लोग, कोई भी मिल्लत के लोग अगर मिल्लत का नाम या समुदाय का नाम लेके ऐसी पार्टियां बनाते हैं तो ये नहीं चलेगा। और हम लोग, मैं जाति तौर पर उसे पसंद नहीं करूंगा, मैं वोट नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बार बार मैं मानता हूं कि हम रिलीजियस मामले में हम अलग अलग हैं, लेकिन हम सेकुलर फील्ड में, जो सेकुलर दुनिया है, जो तालीम की दुनिया है, जो सेहत की दुनिया है, जो रोजगार की बात है, उसमें हम, हमारे मसाइल और आपके मसाइल एक ही है, इसलिए हमको अलग अलग सियासी जमात बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके और हमारे मसाइल एक ही जैसे हैं और उनका सामना भी लोगों को एक जैसी तरीके से ही करना पड़ता है। आज एक पार्टी उभरी है, मैंने जैसा अपने इंट्रो में शुरू में कहा, AIMIM बिहार में 5 विधानसभा चुनाव जीत गए और फिर जाके वो हैदराबाद में चुनाव जीत गई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, और अब वो डंका पीट रहे हैं कि बंगाल भी लड़ेंगे, आसाम भी लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश भी लड़ेंगे। मुस्लिम लीडर ही सबसे ज्यादा उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, चाहे वो जिस भी पार्टी में बैठे हुए हैं। यहां मुझे एक चीज समझाइए कि पुराने दौर की जो मुस्लिम पार्टियां रही हैं, मैं बार बार मुस्लिम बोल रहा हूं,
उनमें और एआईएमआईएम में, आज की जो एआईएमआईएम है उसमें क्या फर्क देखते हैं आप? अब देखिए, ये तो बिल्कुल दो पुरानी पार्टियों में और आज के एमआईएम में क्या फर्क है, अब इसको तो किसी और दिन हम बात करेंगे, इस तरह से मैंने बहुत सोचा नहीं है। लेकिन एमआईएम की क्या, मैं कुछ स्ट्रेंथ बताना चाहता हूँ, एमआईएम का स्ट्रेंथ क्या है और एमआईएम की वीकनेस क्या है। देखिए, एमआईएम का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि उनके लीडर जो उवैसी साहब हैं वो बहुत ही पढ़े लिखे और उनको पता है कि पार्लियामेंट में बातों को कैसी मतलब बातों को कैसे रखना है। उनके पास फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, उनके पास जो स्पीच देने की जो ताकत है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बड़े ओरेटर हैं वो, तो ये उससे वो लोगों को अपनी तरफ राहिब करने में कामयाब होते हैं। दूसरी उनकी उनकी जो स्ट्रेंथ ये है कि वो मुस्लिम मसाइल जो होते हैं उसको वो मतलब आर्टिकुलेट करते हैं। अब देखिए, मुस्लिम मसाइल को आर्टिकुलेट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको मुसलमान होने की जरूरत है। और जो मुस्लिम मसाइल, अगर मैं कहूं, मुझे लगता है ज्यादा बेहतर लफ्ज नहीं है, मुझे कहना चाहिए कि जो महकूम तबकात के जो सवाल हैं, जो वंचित तबकात के सवाल हैं, जो डिप्राइव्ड सेक्शन के जो सवाल हैं, जिसकी बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कही है, उसकी बात करना सब लोगों की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ उवैसी साहब की जिम्मेदारी नहीं है, ये अभय कुमार की जिम्मेदारी है, अकरम साहब की जिम्मेदारी है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री की भी जिम्मेदारी है कि जो वंचित तबका है, जो डिप्राइव सेक्शन से, उसकी बात वो सबसे पहले करे। आपने कहा कि स्ट्रेंथ के बारे में बता रहे हैं, लेकिन अब वीकनेस के बारे में भी आप जिक्र करना चाह रहे थे, वो क्या? वीकनेस के बारे में मैं एक बार बताता हूँ, जहां तक मेरी वीकनेस के बारे में भी, मेरा अपना अपना मतलब पूरे एहतराम और पूरे सोच समझ के मैं बात कह रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि किसी भी पार्टी को उस इलाके में जाके इलेक्शंस लड़ना जहां पे उस पार्टी का बहुत ज्यादा काम नहीं हो और वहां पे सेकुलर जो वोट हो वो मुंतशिर हो जाए, उसके अंदर में इंतजार पैदा हो जाए, वो बिखर जाए, वो टूट जाए, ये भी मुझे लगता है कि ये जो सोच है ये बहुत कारगर सोच नहीं है। मैं इस बात को पर्सनल तौर पर मानता हूं। 2015 के इलेक्शंस में मैं बिहार गया था और वहां पे मैंने मिली गजट के लिए मैंने बहुत सारी स्टोरी लिखी थी और वहां पे इमारत शरिया के जो नाजिम थे उनसे मैंने इंटरव्यू लिया था और उनका बयान मैं यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ। मैंने इसी एमआईएम के हवाले से और बिहार इंतखाबात 2015 के हवाले से जब मैंने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि एमआईएम जो है या उवैसी साहब है उनके इश्यूज बहुत ही ठीक, मतलब इश्यूज ठीक है, उससे हमको कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन उनका काम इस इलाके में नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि फिरका परस्ती या सांप्रदायिकता को डिफीट करने के लिए हम लोग जो महागठबंधन है हम उन्हीं के साथ मुसलमान ज्यादातर गालिब अक्सरियत में वहां पे जाएंगे। बहुत अच्छा आपने इमारत शरिया के प्रमुख का बयान बताया, लेकिन तो 5 साल में ऐसा क्या बदल गया कि बिहार में 5 विधायक जीत के आ गए असदुद्दीन ओवैसी के? देखिए, सीमांचल के इलाके में उनको कामयाबी मिली है और देखिए अकरम भाई, देखिए उनको पूरा हक है कि उनकी पार्टी भी जीते, मतलब जिस तरह से जो सूडो सेकुलर लोग छाती अपनी पीट रहे हैं कि एमआईएम जीत गया तो उससे बहुत सेकुलरिज्म का नुकसान हो गया, मैं समझता हूं कि मैं उनकी टोली में जाके वहां पे मैं जाके मैं मातम करने वाला नहीं हूं, मैं रोने के लिए उनकी टोली में नहीं जाऊंगा, इसलिए नहीं जाऊंगा कि अगर आपको वाकई सेकुलरिज्म से मोहब्बत है तो आप कहां थे जब बाबरी मस्जिद के ऊपर यलगार बोला गया था, आप कहां थे जब दंगा आपको, चाहे वो दिल्ली का दंगा हो, चाहे वो गुजरात का दंगा हो, चाहे वो बॉम्बे का दंगा हो, चाहे भागलपुर का दंगा हो, आप कहां थे? किसान जब आत्महत्या कर रहे थे तो आप लोग क्यों खामोश थे? आप लोग कहां थे जब हमारे माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के भाइयों के ऊपर नौजवानों को चुन चुन के जेल में डाला गया था, उनका इनकाउंटर किया गया था, तो आप कहां थे? बहुत अच्छा आपने तमाम चीजों पर रोशनी डाली और इस चीज को बताने की कोशिश की, लेकिन सवाल अभी भी अधूरा है कि 2015 में जो बिहार के लोग यानी कि इमारत शरिया सोच रही थी उसी बिहार में असदुद्दीन की पार्टी के 5 विधायक कैसे जीत गए? क्या बिहार भी शिद्दत पसंदी की तरफ चला गया क्या? देखिए, समय बदलता है, समय बदलने के बाद नतीजे भी बदलते हैं। अब 2015 में बीजेपी को इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली थी, जेडीयू को कामयाबी मिली थी, 2020 में पासा बिल्कुल पलट गया, नीतीश जी का कद जो है वो काफी छोटा हो गया,
तो देखिए अकरम भाई, सियासत की उम्र बड़ी लंबी होती है, हमारी उम्र और आपकी उम्र से बड़ी लंबी होती है, सियासत के दाव पेच भी बड़े लंबे होते हैं। हर चीज को अगर मैं समझ जाऊं तो मैं हुक्मरान बन जाऊं। मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी के कुछ सीट को जीत लेने से या किसी पार्टी के कुछ सीट को हार जाने से, हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, वी कैन नॉट राइट देम ऑफ, वी कैन नॉट राइट हिम ऑफ, ना हम उसको पूरी तरह से खारिज कर सकते हैं और ना हम उनको सर पे बैठा सकते हैं। आप याद कीजिए 1984 के बाद राजीव जी को आज तक के हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा सीट मिली थी और 89 में उनकी सरकार चली जाती है। 2004 में किसी ने नहीं सोचा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी दोबारा इंडिया साइनिंग द रक्षा भारत कैंपेन के बाद चुन के नहीं आएंगे। तो अगर उवैसी साहब आए हैं, हो भी सकता है ये उनका चमत्कार था, या हो भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से सांप्रदायिक राजनीति चल रही है तो, और जिस तरह से मुसलमानों के अंदर में काफी बेचैनी है, मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार इलेक्शंस के दौरान जब मोबाइल और ये सब व्हाट्सएप ये सब सब चीजें आनी शुरू हो गई थी, तो मैंने बहुत सारे मुस्लिम नौजवानों से बात की और वो लोग कह रहे थे हम लोग छुप छुप के उवैसी साहब का जो है उनका वीडियो हम लोग सुनते हैं, उनका स्पीच सुनते हैं और काफी वो मकबूल है। असदुद्दीन यूवैसी की बहुत जबरदस्त फॉलोइंग है, उनको लेकर दो चार खबरें हमने क्रिटिसाइज करते हुए क्या की, इतने लोग टूट पड़े, कमेंट्स करके तो गालियां देते ही, रात को एक एक बजे फोन करके भी गालियां देते हैं, अबे तू कौन है, अबे तू कौन है, इस तरीके से बदतमीजी से बोलते हैं, शायद मोदी के भक्त उतना नहीं बोलते हैं। क्या ये पॉलिटिक्स जो इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी की चल रही है देश में और जो साथ में भाजपा चला रही है हिंदुत्व के नाम पे, ये भारत के लिए अच्छी है, या जो तारिक अनवर ने कहा वो सही है कि एक मुस्लिम बीजेपी है एक हिंदू बीजेपी है? देखिए कोई भी सियासत धर्म के आधार पे अगर हो रही है तो इसके जो नतीजे होंगे खतरनाक होंगे। धर्म के नाम पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म के नाम पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी भी पार्टी को हक नहीं है कि वो वोट मांगे और जाके सिर्फ अपनी कम्युनिटी से वोट मांगे। अगर यहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत होती और अगर कोई मुसलमानों के नाम पे वोट बना के और इख्तदार बनाता तो मैं भी उसी तरह से उसकी मुखालफत करता जिस तरह से मैं आज अक्सरियती हिंदू के नाम पे वोट मांगा जा रहा है और सियासत की जा रही है। बिल्कुल ये जहर है, हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद कर देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बहादुर शाह जफर को देखिए, आप मीर को देखिए, आप गालिब को देखिए, आप सर सैयद अहमद खां को देखिए, आप इकबाल को देखिए, आप किसी को भी देखिए, आपके अंदर में वो जो छोटी सोच है, जो तासुब है, वो आपके अंदर में वो बातें नहीं निकलेंगी। इसलिए सियासत के लिए हिंदुस्तान के चमन को जो भी जलाने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ मैं खड़ा हूं। ये बात सिर्फ हिंदू सांप्रदायिकता की नहीं है, ये मुस्लिम सांप्रदायिकता की भी है। लेकिन मैं ये बात पूरे होशो हवास के साथ कह रहा हूं कि जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था एक जमाने में कि हिंदू सांप्रदायिकता और मुस्लिम सांप्रदायिकता में फर्क है, अगर हिंदू फिरका परस्ती अगर अगर ताकतवर हो गई तो फासिज्म का रूप ले लेगी और वो मुल्क को तबाह बर्बाद कर देगी। इसलिए हिंदू फासिज्म अगर बढ़ेगा तो उसकी वजह से मुस्लिम मुसलमानों के अंदर में इस तरह के शिद्दत पसंदी और इस तरह के वाइसेस पैदा होंगे जो कि दोनों ही खतरनाक है। दोनों ही विचारधाराएं, दोनों ही सोच खतरनाक है अगर वो बढ़ती। लेकिन ऐसे दौर में जैसे आपने कहा कि आप देख रहे हैं खुद ही मुसलमानों के अंदर बेचैनी है, वो चाहते हैं आज उनकी अपनी एक पार्टी हो, अपना एक प्रतिनिधित्व करने वाला हो, पार्लियामेंट में बोलने वाला हो, सड़क पे खड़ा होकर रैली में खड़ा होकर बोलने वाला हो, तो वो क्या असदुद्दीन ओवैसी में वो सब देख रहे हैं या देख सकते हैं या उन्हें देखना चाहिए? देखिए उवैसी साहब क्या करेंगे फ्यूचर में वो तो मेरे लिए कहना थोड़ा अभी मतलब मेरे लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उनको वो इलेक्शंस लड़ें और दोनों बातें गलत है। उनके इलेक्शंस लड़ने से सांप्रदायिक ताकतें जीत जाती है, ये भी बात पूरी तरह से गलत है, और ये भी कहना गलत है कि उनके इलेक्शंस लड़ने से कुछ वोटों का बिखराव नहीं होता है और कुछ वोटों पे जो पार्टी जीतने वाली थी वो हार जाती है और हारने वाली जीत जाती है, इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ही दोधारी तलवार है, मैं आपको बता रहा हूं। एक तरफ मुसलमानों की नुमाइंदगी गिर रही है, एक तरफ मुसलमानों के घाव पे और दर्द को लेके कोई बोलने वाला कोई नहीं है, और एक तरफ क्या हो रहा है कि मुसलमानों के नाम पे अगर कुछ जमात बनती है तो उसको लेके सियासत भी होती है और उसको लेके एक बावेला भी मचता है। इसलिए मैं फिर से कहता हूं कि मुल्क के अंदर में
ये जो हमारे और आपके जो हुकूक है वो एक जमहूरियत में एक सिटीजन के मुताबिक हमारे और आपके हुकूक होने चाहिए, और आपकी और हमारी आइडेंटिटी जो होनी चाहिए वो वंचित होनी चाहिए, और आपकी और हमारी आइडेंटिटी जो होनी चाहिए वो हैव्स और हैव्स नॉट की होनी चाहिए। हमारी और आपकी आइडेंटिटी जो होनी चाहिए वो इस बात की होनी चाहिए कि वसाइल पे किसका संसाधन है, मतलब कब्जा है किसकी, और कौन आदमी उससे महरूम है। हमको मजहब के नाम पे चीजों को आगे नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान के लिए किसी सियासी पार्टी को वक्ती तौर पे तो फायदा दे सकता है लेकिन लॉन्ग रन में ठीक नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत गजब की लाइन आखिर में कही है, ये आप लोगों को खुद सोचना पड़ेगा, सिर्फ गालियां देनी है या प्रोफेसर अभय कुमार जी ने जो आपके सामने रखने की कोशिश की कि ना तो हिंदू शिद्दत पसंदी के नाम पे जो राजनीतिक पार्टियां सत्ता में बैठी हैं वो देश हित में है, ना मुस्लिम शिद्दत पसंदी के नाम पे जो लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो देश हित। ये दोनों विचार सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल अगर किसी पार्टी पे खड़ा होता है तो वो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों पर होता है। आज उनको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, और देश के बर्बादी की जिम्मेदारी जो आज यहां तक पहुंची है कि हिंदू हिंदू को वोट कर रहा है, मुसलमान मुसलमान को वोट करने की बात कर रहा है, उसकी असल जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए और अपने अंदर सुधार करना चाहिए। कोशिश थी कुछ चीजें आपके सामने रखने की, अच्छा बुरा जो भी आपको लगा हो कमेंट्स के रूप में अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अब लगते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें इजाजत।